दोस्तों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है कि प्रतिशत। हमें परसेंटेज निकालना, जैसे हमारे पास दे दिया जाता है कि 250 का इस प्रतिशत निकालो। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है, जैसे हमारे पास दे दिया जाएगा कि 100 का 10% निकालो। मतलब प्रतिशत निकालना हम आज सीखेंगे प्रॉपर तरीके से कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या होता है निकालने का। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है कि 250 का 20%, यानी कि 250 का 20% हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या है कि फॉर्मूला जो है वो सूत्र क्या है कि वो है कि एन गुणा परसेंटेज बटा 100। एन गुणा परसेंटेज बटा 100, यानी कि एन का मतलब नंबर, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। जितना हमारे पास दिया गया है वो प्रतिशत, तो बटा 100। इसे हम हिंदी में लिखे तो संख्या गुणा प्रतिशत बटा में 100। जितनी हमारे पास संख्या दी गई है, जैसे हमें यहाँ पर 50 दे रखा है, प्रतिशत जितना प्रतिशत हमें निकालना है बटा 100। अगर हम संख्या को और जितना प्रतिशत निकालना है उसको गुणा करके बटा में 100 लिख देंगे, मतलब उसे सोल्व कर देंगे बटा में 100 लगाकर, तो हमारे पास जितना प्रतिशत हमें निकालना है वो आ जाएगा। तो हम पहला एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, 250 का 20% हमें निकालना है। तो सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था हमारा कि एन गुणा प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। एन क्या है, ये हमारे पास जितना नंबर दिया गया है वो है, और परसेंटेज कितना क्या है कि हमें जितना प्रतिशत निकालना है। ये क्या हो गया, कितना प्रतिशत हमें निकालना है, परसेंटेज हो गया। तो एन का मतलब जितना हमें दिया गया है, 250 गुना कितना निकालना है हमें, 20% निकालना है बटा में 100। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ओनली सिर्फ हमारे पास क्या क्या बच गया, 25 गुणा 2 बच गया। कितना हो गया, 25 गुणा कितना होता है, 50 होता है। ये लो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में मैंने इसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हम दूसरा एग्जांपल करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है कि 50 का 25% हमें निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या था कि एन गुणा परसेंटेज बटा 100। ठीक है, एन क्या है, हमारे पास जो संख्या दी गई है वो एन है, परसेंटेज हमारे पास कितना परसेंटेज हमें निकालना है, ये परसेंटेज हो गया एन, 50 हो गया, परसेंटेज हमें 25 निकालना है। ठीक है, बटा में 100। ओके, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ओके, 5×5 5×2 10। ओके, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 25/2। अब 25/2 को हम सोल्व करते हैं आगे, 2×1 2, 2×2 4, 5×2 10, 12.5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि 50 का 25% कितना होगा, 12.5। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम प्रतिशत निकालते हैं, यानी परसेंटेज निकालते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।